आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं ब्रेड आलू कटलेट बनाने जा रही हूँ। हमने ये 8 आलू धोकर बॉयल कर लिए हैं। इन्हीं के हिसाब से हमने 4 ब्रेड ग्राइंडर कर लिए हैं। ये उबले आलू को छीलकर हम कर लेते हैं। अब हम इन सब आलुओं को कद्दूकस कर लेते हैं और अपने हिसाब से इनमें मसाले मिलाएंगे। अब ये हमने 8 आलू कद्दूकस कर लिए हैं और इनमें हम ब्रेड का चूरा मिला देते हैं। 2 आलू में 1 ब्रेड मिलाए, ज्यादा मिलाएंगे तो वो फट जाएंगे। चूरा इसमें डाल रहे हैं और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल रहे हैं, हरी मिर्च डाल रहे हैं, भुना जीरा, 1 चम्मच धनिया, सूखा धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब इन सबको हम आपस में मिक्स कर देते हैं। हमारा डो बनाने के लिए तैयार है। अब हम ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं। अब हमने ऑयल चढ़ा दिया गरम होने के लिए। अब हम थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाते हैं और इस तरह से थोड़ा सा डो लेके हम कोई भी शेप देके इसे बना सकते हैं। मैंने ये शेप देके बनाए हैं, मैं सारे इसी तरह से बना लूंगी। अब ये हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। अब हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें खा लेते हैं। अब ये हमारे खाने के लिए तैयार हैं। हरी चटनी से, सौंफ से, आप किसी भी चटनी से खा सकते हैं। बच्चों को खिलाएं, अपने अपने परिवार में सबको खिलाएं बना के। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। आगे किसी नई चीज के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।